हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एसी एकेडमी नासिक क्लासरूम। मेरा नाम प्रोफेसर प्रशांत पाटिल और आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस कंसेप्ट रिगार्डिंग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट जो बाकी था, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से किया जाता है वो हमें अभी स्टडी करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के हिसाब से हमें पता चलेगा। सो डिवीजन पहले क्या रहता है, सो डिवीजन मीन्स व्हाट, लेट वी कंसीडर जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड जेड टू हमने कंसीडर किया सी प्लस आई डी। सो दोस्तों, हमें पता है अगर जो दी है टर्म उसमें अगर आई होगा, आई मीन्स इमेजिनरी, तो टोटल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिया है, अगर हमें Z1 अपॉन Z2 निकालना है, इट मीन्स व्हाट, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, डिवीजन। सो दोस्तों, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी, कॉम्प्लेक्स ही टर्म रहेगी, दैट इज इमेजिनरी नंबर रहेगा, तो हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन देना है। सो बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन हमें क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में, वो हमें एलिमिनेट करना है। तो रैशनलाइजेशन लेने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इट बिकम ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर के टर्म लो सिर्फ पॉजिटिव होगा तो निगेटिव लेना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा उसका, सी माइनस आई डी अपॉन सी माइनस आई डी। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों। सो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कंसिडर की हमने एक्स प्लस वाई और ये टर्म है एक्स माइनस वाई, सो इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ऊपर दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी, सो इट बिकम ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कीजिए तो फर्स्ट टर्म क्या है सी, सो सी का स्क्वायर माइनस वाई मीन सेकेंड टर्म इज आई डी, आई डी का स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, सो ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू सी माइनस आई डी प्लस, अभी आई बी सी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट बिकम आई बी इंटू ब्रैकेट सी माइनस आई डी अपॉन सी का स्क्वायर माइनस, ये सेपरेट कर दीजिए, आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। सो वी नो वेरी वेल आई स्क्वायर इज व्हाट, आई स्क्वायर इज माइनस वन, ये हमें पता है, तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं, सो इट बिकम जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कीजिए पहले न्यूमरेटर में, ए इंटू सी ए सी माइनस आई इंटू डी सी, आई बी सी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो प्लस आई इंटू बी सी आएगा और ये आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी इंटू डी बी डी। ओके, सो यहाँ पे भी हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर सकते हैं हम, अपॉन नीचे आएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो इट बिकम माइनस डी स्क्वायर। तो दोस्तों, इसको अगर सिंप्लीफाई हमने किया तो क्या आएगा, ए सी माइनस आई इंटू डी सी प्लस आई इंटू बी सी, आई स्क्वायर इज माइनस वन और माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस हो जाएगा ये, अपॉन सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस डी स्क्वायर। सो जो रियल टर्म है मीन्स आई जिसके साथ नहीं होगा वो रियल टर्म, तो वो जो रियल टर्म है क्लोज लिखनी है हमें, सो इट बिकम ए सी प्लस डी डी, यहाँ पे आई हम कॉमन निकाल सकते हैं, सो इट बिकम प्लस आई इंटू ब्रैकेट डी सी पहले लेना पड़ेगा, माइनस डी सी आ जाएगा। ओके, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए, अभी जब पहले दिया था तो डिनोमिनेटर में आई था मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर था, लास्ट टर्म अगर ऑब्जर्व की जाए तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें एलिमिनेट करने के लिए डिविजन रूल इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है बाय रैशनलाइजेशन। तो अभी यही कंसेप्ट हमें क्लियर करने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द एग्जाम्पल इज हेयर, we can consider anyone, so divide the term, this example is find z1 upon z2 where z1 is given, z1 जो हमें consider करना है वो 3 plus 2i और z2 जो है वो 1 plus i consider करते हैं। okay, so इसको अच्छी तरह से observe कीजिए, हमें z1 अपॉन z2 लिखना है, तो उस फॉर्म में हम लिख लेते हैं पहले z1 इज व्हाट 3 प्लस 2i, z2 इज 1 प्लस i। ओके, तो i मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में आएगा वो चलता नहीं, इसलिए वो एलिमिनेट करना है हमें,
तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन लेना पड़ेगा हमें. सो बाय रैशनलाइजेशन इस डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कीजिए. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा, मीन्स उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा. ओके तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी 3 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 1 - i अपॉन 1 + i इंटू 1 - i. सो हियर a + b इंटू a - b दैट इज a² - b² ओके. दिस कैन बी रिटन एज 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, सो 3 × (1 - i) 2i से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को, सो +2i × (1 - i) अपॉन यहाँ पे a + b × a - b दैट इज a², सो 1² माइनस आई इज हियर सो i² राइट. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b² जो कि a है यहाँ पे 1 और b है यहाँ पे i. ओके सो 3 × 1 = 3 माइनस 3 × i = 3i 2i × 1 दैट इज +2i एंड हियर -(+-) 2i × i² अपॉन 1² = 1 माइनस i² -(-) = -1 वी नो वेरी वेल i² = -1 सो पुट द वैल्यू ऑफ i² = -1 हियर. ओके सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म देन वी गेट z1/z2 सो देयरफॉर z1/z2 इज हियर 3 -3i + 2i दैट इज -1i सब्ट्रैक्शन कर दीजिए और यहाँ पे -2 और i² = -1 सो हियर पुट द वैल्यू ऑफ i² = -1 अपॉन 1 - (+) हो जाएगा सो इट बिकम 3 - 1i -(-) +2 अपॉन 1 + 1 दैट इज 2 हो जाएगा सो इट बिकम 3 + 2 रियल पार्ट क्लोज लिख दीजिए यहाँ पे. ओके एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी सेपरेटेड. ओके सो इट बिकम 3 + 2 = 5 -1i/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ z1/z2. वी कैन राइट ऑन दिस आंसर एज 5/2 -1/2i. सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी मिक्स्ड विथ ईच अदर. ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर.